शिफ्ट पूरी हो गई है अपनी, ठीक है। और ड्यूरिंग शिफ्ट मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाई क्योंकि दो सेक्शन है यहाँ पे, एक हाई केयर है और एक लो केयर है। जो हाई पर्सन को कॉन्टैक्ट किया था फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप लोग वो फ़ोन नंबर लें, ठीक। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टाइम है सुबह का 4:56 यानी कि ऑलमोस्ट 5 AM एंड वी आर गोइंग फॉर आर जॉब इन लीड्स डेफिनेटली। तो आज ये मैं प्रॉपर व्लॉग एक बना रहा हूँ अपनी जॉब के बारे में, आपको बताऊँगा कि कितने बजे निकलना पड़ता है वो आपने देख ही लिया। और ट्रैवल अगर बस के करें तो बस के थ्रू करें तो वो कितनी देर का है, और अगर हम ट्रेन के थ्रू करते हैं तो वो कितनी देर का है, एंड दोनों में क्या एक्सपेंडिचर है और कौन सा हमें सूटेबल पड़ता है, एंड जॉब कितने घंटे की है, पर आवर वेज क्या है उसकी, एंड ये कहाँ पे है, एंड कौन सी कंपनी है, सारा कुछ। तो सीन कुछ ऐसे है, अभी हम जा रहे हैं आज ट्रेन के थ्रू क्योंकि आज हमारी शिफ्ट है सुबह 6 बजे। उसको मैंने बोला, तरले भी डाले थोड़े थोड़े, मतलब मक्खन लगाया कि मुझको शिफ्ट जो है ना भाई वो दे दो तुम 7 बजे वाली, मेरे लिए पहुँचना आसान हो जाएगा। कहती ना मैं तो सस लौंडी हूँ, मैं नहीं दे रही शिफ्ट, गोरी थी ना मानी नहीं, तो उसने मैं 6 बजे वाली शिफ्ट दी, कहती आना आओ नहीं तुम्हारी मर्जी। तो भाई अपने को लेनी पड़ी, कौन जाया करता है दिन अपना। तो अभी 6 बजे अपनी शिफ्ट है, 5 बज गए हैं, हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, बाकी बातें चल के करते हैं। ये देखेंगे इस 5 बजे थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हुआ है, अभी ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, और सड़कें आपके सामने ही हैं, बस थोड़ी थोड़ी भरी हुई हैं। ये लें जी टाउन सेंटर के रोड स्टार्ट हो गए हैं, जो कि अभी इस टाइम साइलेंट टाउन सेंटर बना हुआ है। सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो सीन आप सामने देख रहे हो ये नज़र आ जाता है जब सुबह हो रही होती है, क्या प्रोसेस है अल्लाह पाक की ज़ात ने कैसा इसको बनाया है ये देख लेते हो आप। और नुकसान ये है कि आपको अपनी नींद का एक पोर्शन जो है ना वो ज़ाया करना पड़ता है, वो देना पड़ता है अपनी जॉब को, लेकिन ये भी है कि आप जल्दी फ्री भी हो जाते हो, तो हर चीज़ के अपने बेनिफिट और नुकसान भी होते हैं। तो लेट्स गो। वो जो आपको घंटा नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये इसकी शक्ल है ना ट्रेन स्टेशन जैसी, तो आपने सही पहचाना ये वही है। एंड ये देखें ये है अंकल जॉर्ज, इनके साथ हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो चलें चलते हैं। ये देखें अपनी ट्रेन है, ये जो फर्स्ट नंबर 515 पे स्कारब्रो है ना, इससे आनी है, ऑफ प्लेटफॉर्म 4 पे आनी है, ऑन टाइम है। प्लेटफॉर्म 4 will be late. यार ये देखें हमारे जैसे लोगों के साथ ये होता है, ये जो अपना बोरिया बिस्तर, अगला स्टॉप है जो लीड्स, और ये देखें इनकी ट्रेन, इनकी जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाती हैं वो ऐसी होती हैं, और हमारी कैसी होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं यार। यार बस में लीड्स जाने पे लगता है 1.5 घंटा और ट्रेन पे जाने पे लगेंगे हमें सिर्फ 15 से 17 मिनट, और 5:30, 2:33 पे हम लोग लीड्स होंगे और वहाँ से अब हमने फिर 15 मिनट लगा के आगे जाना है। चलें आपको बताते हैं इस बैग में हमारे पास क्या क्या है। इसमें है जी ओरियो माय लव पानी की बोतल, और कुछ फ्रूट्स, सिर्फ ये नहीं है, हाँ और भी है फ्रूट्स है, ये मेरा सामान हो गया, और ये हैं जी ग्लव्स, और ये जॉब के लिए जैकेट, ठीक है। तो ये सब कुछ है इस हमारे
जो बच्चों वाला बैग होता है इसमें। जो भी कर लो, अगर आपकी बस रह गई है तो एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब फिर आप फिर स्टिल जस्ट वेट ही कर सकते हो। अब मैं अपनी बस का वेट कर रहा हूँ, 11 मिनट बाद यहाँ से निकलनी है वेकफील्ड के लिए, ये मुझे लेके जाएगी मेरी कंपनी और मैं जॉब से ऑलमोस्ट हाफ आवर लेट हो जाऊँगा। इतनी जल्दी आके भी क्या फ़ायदा। ये है यूके के नुकसान जो आपको कभी कभी भरने पड़ते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, वी आर आउटसाइड द कंपनी एंड यू नो द कंपनी कॉस्ट्यूम आल्सो द शूज ऑफ द कंपनी आई एम वेयरिंग। शिफ्ट पूरी हो गई है अपनी, ठीक है, और ड्यूरिंग शिफ्ट मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाई क्योंकि ब्रेक मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, हाफ आवर की मिलती है और एक 15 मिनट्स की मिलती है, टोटल दो ब्रेक्स होती हैं और उस टाइम में खाने की पड़ी होती है अपने को, काम किया है, भूख लगी है, बस खाना खाना खाना, फिर एक दो फ़ोन भी करने होते हैं, तो इसलिए मैंने उस टाइम में कोई शूट नहीं किया। शिफ्ट ख़त्म हो गई है, 6 बजे स्टार्ट किया था, 2:30 पे ख़त्म हो गई है, हाफ आवर ब्रेक का जाता है तो पूरे 8 घंटे की शिफ्ट आपकी बनती है, ठीक है। दिस इज़ एन NI जॉब, ठीक है, और ये लोग अभी फुल टाइमर्स के लिए हायरिंग भी कर रहे हैं स्टिल। एंड ये आपको वीक में 5-6 दिन काम देते हैं लाजमी, ठीक है, तो वेयर हाउस की जॉब है और ये अच्छी जॉब है, कोई ज़्यादा वजनी काम नहीं है, फूड पैकिंग है, सम डेज़ कुछ जगह पे काम है जोर वाला, सम डेज़ आपकी अगर वहाँ ड्यूटी बाई चांस लग गई, जो कि वो गर्ल्स की नहीं लगाते, सिर्फ बॉयज़ की लगाते हैं, अगर कभी लगती भी है तो गर्ल्स को बहुत रिलीफ है यहाँ पर, बड़ा मज़े का काम है गर्ल्स के लिए, तो अगर आपकी लगती भी है बॉयज़ एज अ बॉय तो कोई बात नहीं है, एक आधा दिन है आप उनको टेक्स्ट करो प्लीज़ चेंज माई ड्यूटी फ्राम ये वो जो भी है, तो वो चेंज कर देते हैं। दो सेक्शन है यहाँ पे, एक हाई केयर है और एक लो केयर है। जो हाई केयर है उसमें काम होता है यूजुअली जो पीछे से सैलड बन के आ रहा है उसको आगे जो है ट्रांसफ़र करना, और जो लो केयर है उसमें यूजुअली बॉक्सिंग होती है, जो बन के पैक होके आया था उसको बॉक्सेस में पुट करके उनको पाइलअप करना होता है, ये लो केयर में होता है। और दिस इज़ ऑल अबाउट, रोड पे आ गए हो ना अब शोर होने लग गया, पहले शोर काफ़ी था तो अब मैं बस स्टॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। और एक तो काम था मुझे यहाँ पे स्क्रू फिक्स में, बट मैं अभी नहीं जा रहा, वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो बात करते हैं जी पर आवर वेज की, तो इनकी ये लो जी वेज के चक्कर में बस ही गई, ये देखिए मैं भी नज़र आ रही हो, तो अभी अगली बस आई डोंट नो ये 4463 जो गई है, तो मेरी किस्मत अच्छी है, एक और 110 आ रही है जो मुझे लेके जाएगी वहाँ, 168 आ रही है मुझे लीव सिटी सेंटर लेके जाएगी, वहाँ से मैं आगे जाऊँगा। तो ये NI की जॉब है, ये वीकली ये लोग पे करते हैं, अगर कोई UK से मेरी वीडियो देख रहा है उसको NI की जॉब की ज़रूरत है और वो फुल टाइमर भी है, तो ये गाइस हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। किसी को नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट में मुझे टेक्स्ट कर देना, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल पे लिंक है, या कमेंट भी कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूँगा। ओ भाई तुझे नहीं, तू हट जा लाइफ स्टाइल। ये अपनी बस आ गई 168, सिग्नल पर रुकी है, तो मैं अभी बस पास भी मेरा मोबाइल में ही है तो मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा और इसको रिसीव करके अंदर चलते हैं। फाइनली वी आर एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बस एंड वापसी की तैयारी है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं वीडियो के रिमेनिंग पार्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो वीडियो का पिछला पार्ट था स्टार्ट वाला मैंने परसों शूट किया था और उसके 2 दिन बाद मुझे आज टाइम मिल रहा है फाइनलाइज करने का वीडियो को, वो भी मैं रात को भी आया हूँ, 11 बज रहे हैं, 1 घंटा पहले आया हूँ, मैंने फ्रेश वगैरह होके जो अपना करना था खुद को सेट वो किया, एंड देन मैंने सोचा कि वीडियो का पार्ट कम्प्लीट कर दूँ, जाहिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब बात करते हैं वेयर हाउस की जॉब की, तो आपको ये जॉब लेनी कैसे है। इसमें सिंपली ये होता है कि आप लाइक मुझे किसी ने रेफरेंस वाले बंदे ने नंबर दिया था, तो मैंने नंबर से उनको कॉन्टैक्ट किया था, फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप लोग वो फ़ोन नंबर लें, ठीक है, उस फ़ोन नंबर पे जो फुल टाइम होता है क्योंकि अभी वो फुल टाइम की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको मैसेज करें अपना नाम अपना बायोडाटा और कहें कि मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है, लीड्स में है ये वेयर हाउस, तो उनको कहें कि मुझे जी वर्क की ज़रूरत है, तो वो आपको उम्मीद है कि कॉन्टैक्ट कर लेंगे 2-3 दिन में अगर उनको बंदों की ज़रूरत हुई, वरना कॉल भी कर लें आपको इशू नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं ऑनलाइन, आप डॉक्यूमेंट भेज देते हो, उसके 2-3-4 दिन बाद वो आपको
मैसेज करते हैं इंडक्शन का। इंडक्शन समझें कि एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू भी है और सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है। इसमें क्या होता है, वो आप लोगों को बताते हैं उनकी कंपनी के क्या रूल्स हैं, और स्लाइड्स एक होती है 70+ स्लाइड्स की ना, एक वो होती है PDF फाइल होती है, वो आपको सारी दिखाते हैं। तीन घंटे उसमें लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे वो सारी आपको दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद आपसे ना एक पेपर पे वो टेस्ट लेते हैं, जिसमें कुछ इजी सवाल होते हैं कि जो स्लाइड में आपको बताया जाता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के। आपने जब एंटर होना है अपने हाई केयर और लो केयर, दो सेक्शन है, हाई केयर में जाना तो कोट पहन के कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, और मतलब ऐसा कुछ इजी सा होता है, और कंपनी में क्या चीज़ें आपने नहीं लेके आनी, समथिंग लाइक दैट, इस तरह के सवाल होते हैं। और उसमें से मतलब बड़े आराम से वो आपका क्लियर हो जाता है, हर बंदे का क्लियर हो जाता है। ना भी किसी का कभी, लेट सपोज किसी का नहीं हुआ, तो उसको वो 3 चांस देते हैं कि 2 चांस और इम्प्रूव करो यहीं बैठ के, और तो वो सबको पास कर देते हैं इंडक्शन में। इंडक्शन के बाद आप उनसे बात करो कि मुझे शिफ्ट चाहिए, मैं फुल टाइमर हूँ, मैं 7 डेज अवेलेबल हूँ, सुबह शाम आप जब भी बुलाओ, वो आपको फिर शिफ्ट देते हैं। शिफ्ट उनकी हैं 3, 6 to 2, 6 से लेके दोपहर 2 बजे तक, सुबह 7 से दोपहर 3 तक, और 3 से लेके ऑनवर्ड जब तक उनकी क्लोजिंग नहीं होती 11, 12, 1, 2 जितने बजे तक भी है। तो इसमें जो 8 घंटे की शिफ्ट है 7 से 3 वाली जो मैं करता हूँ, उसमें आपको क्या होता है, 2 ब्रेक्स होते हैं। एक 15 मिनट का ब्रेक होता है जो कि कंपनी की तरफ से होता है, और एक होता है हाफ आवर का ब्रेक जो सेकंड ब्रेक होता है, और वो आपके 8 आवर्स में से आधा घंटा डिडक्ट करते हैं और 7.5 आवर्स आपके काउंट करते हैं। तो इस तरह अगर आप वीक में 5 डेज करते हो तो आपके 37.5 आवर्स जो है ना वो काउंट होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है, हर कंपनी का ये रूल होता है। और पर आवर वेज की बात करें, अगर उनकी मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हर बंदे के माइंड में होगी, इस कंपनी की पर आवर वेज है 10.72 10 pounds and 72 cents इनकी पर आवर वेज है, और ये एक बहुत अच्छी वेज है इनिशियली स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए जो नए नए आते हैं। उसके बाद और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें मतलब कि वेज आपकी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे कि मैं अभी स्टार्ट में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लक है मेरी कि मुझे 15 दिन के अंदर ये जॉब मिल गई। वहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जिनसे मैंने बात की, वो कहते हैं हमें 2 महीने बाद ये जॉब अब मिली है, हमें NI की जॉब ही नहीं मिली। तो ये भी सिनेरियो है, इन पे फिर किसी दिन बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो यार ये जो लाल बटन होता है ना सब्सक्राइब का, इस शर्ट का जिसका कलर है ठीक है, तो इसको जो है लाजमी प्रेस कर देना, यू नो सम मोटिवेशन टाइप थिंग। और मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अनसब्सक्राइब पीपल की है, ऑलमोस्ट 96-97%, तो सब्सक्राइब किया करो यार ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जाए और हमें भी थोड़ा सा उससे बूस्ट मिले और फ़ायदा हो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।